जय भीम साथियों, नमस्कार। मैं सुदेश कुमार आर्य, बहुजन एक्टिविस्ट। दोस्तों, मैं लाइव हूँ फेसबुक आपसे, और क्योंकि बिहार में वही कहानी दोहराई जा रही है जो उत्तर प्रदेश में। ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर में सैकड़ों बच्चे सरकार की लापरवाही की वजह से काल की मौत में चले गए थे। दोस्तों, वही घटना, वही उसी तरह का जो लापरवाही बिहार में बड़े तादाद पर देखने को मिल रही है। बिहार में आजकल एक दिमागी बुखार के रूप में एक बड़ी महामारी बच्चों के बीच में वहाँ फैली हुई है, और कहा जाता है वहाँ सुशासन बाबू, मुझे लगता है नीतीश कुमार का कुशासन जो राज है वो चल रहा है। और ये भी कहा जाता है कि भारत में बिहार में दो इंजन वाली सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और वहाँ पे भी उनकी मिली जुली सरकार है। तो दोस्तों, ये जो दो सरकारों का जो है उसके बाद भी बड़े तादाद पर देश में और खासकर बिहार में गरीबों के बच्चे मर रहे हैं और लोग सरकारें सोई हुई हैं। सरकार का पूरा ध्यान बंगाल पर है, जहाँ किसी डॉक्टर के साथ अभद्रता करने की वजह से पूरा डॉक्टर यूनियन अपनी जिम्मेदारी से अलग हटकर राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार के कहने पर हड़ताल पे चला गया। लेकिन वही डॉक्टर, इनको ये शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा है कि अगर आपको एज ए प्रोफेशनल आपको लोगों को जान या लोगों को सेवा करने के लिए अब ये दायित्व दिया जाता है, आप अगर आपको राज्य सरकार बंगाल से समस्या है तो आप वहाँ से जाकर उन बच्चों की, बिहार में जाकर पास में राज्य है वहाँ सहायता करें आके। तो दोस्तों, ये सरकार पूरी तरह सोई हुई है। वहाँ तरह बहुत सारी फोटो वीडियो आ रहे हैं जिसमें माँ बाप तड़प रहे हैं अपने बच्चों को खोते हुए। बहुत सारे माँ बाप गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से उन बच्चों को बचाया जाए। कोई भी ऐसा जो जितने बड़े लेवल पर काम होना चाहिए, इसे बड़ी आपदा आती है तो एनडीआरएम की टीम लगती है और बड़ी बड़ी और अलग सिटी में लगाई जाती हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े एनजीओ जाते हैं। पर बिहार में इतने बड़े तादाद में हॉस्पिटलों में दवाई के अभाव में, डॉक्टरों के अभाव में, जानकारी के अभाव में उन गरीबों के बच्चे मर रहे हैं जिनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। सरकार कहती है आयुष्मान योजना, तो सोचिए आयुष्मान योजना का लाभ किसे मिल रहा है? क्या सिर्फ कागजी और भाषणों के लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं? अगर यही बच्चे किसी ऐसे लोगों को होते, जैसे नेता होते या कोई अभिनेता या कोई बिजनेसमैन होता, तो वो तुरंत अपने बच्चों को विदेश के हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं। तो आज जो हमारे गांव गली के जो गरीब लोगों के बच्चे मर रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की है, और सरकार चुप है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए आप सभी के सामने लाइव हूँ कि बड़ा वेदना हो रही है कि जिस जो तांडव 2017-18 में योगी सरकार में ऑक्सीजन की कमी के नाटक की वजह से सैकड़ों बच्चे, मासूम बच्चे जिनका कोई दोष नहीं होता, जो अभी इस समाज और समाज की जो गंदी राजनीति देश की उससे अनभिज्ञ होते हैं और वो उसका शिकार बन रहे हैं, तो हमें लगता है हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और बहुत सारे लोग क्योंकि अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, पर ऐसे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, ना विपक्ष बात कर रहा ना सरकार है। सरकार तो है ही बदतमीज और कहते हैं ना इस तरह की मापदंड लेके बैठी हुई है कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो देश में जिससे उन्हें राजनीति करने का मौका मिले। और वही आपको बंगाल में देखने को मिल रहा होगा। बंगाल में वही डॉक्टर वहाँ पर काली पट्टी बांध कर बदतमीजी दे रहे हैं और उन्हें ये नहीं दिखाया जा रहा, तुमको समाज सेवा करना है, अगर तुमको एक राज्य से दिक्कत है तो आ जाके जाए बिहार में जाके अपना वहाँ योगदान दीजिएगा, तब तुम्हारा प्रोफेशन पता चलेगा। तो तमाम तरह की समस्याएं सरकार से पूछना चाहिए कि कहाँ गई आयुष्मान योजना, कहाँ गई आपके जो 50 करोड़ की आपने लोगों को स्वास्थ्य बीमा की बात कही थी। तो तमाम तरह की जो योजनाएं थी सिर्फ कागजी तौर पर हैं, चुनावी जुमलों के तौर पर आपके सामने पेश की जाती हैं, और इस देश का जो गरीब तबका है, जो अक्षम्य तबका है, वो गुमराह होकर ऐसे लोगों के पीछे पलक जाता है। आज क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग आज क्यों नहीं उस बात को लेके आ पा रहे हैं? क्योंकि इस तरह की जो मानसिक जो वेदना देती है, क्योंकि घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये बात डाल रहे हैं और सरकार से जवाब चाह रहे हैं, पर सरकार और पूरा मीडिया सिर्फ और सिर्फ सरकार की महिमामंडन में
कब किसने शपथ ली, कब कौन शपथ ले रहा है, पूरा नाम बता रहा है नहीं बता रहा पार्लियामेंट अपना पूरा नाम क्या है, इस बात पर चर्चाएं हो रही हैं। पर इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई बिहार में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे मर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा है या कोई ऐसी टीम गठित की गई या एम्स की कोई टीमें वहां पर भेजी गई जो शोध कर पाए कि उस तेज बुखार से निजात पाने के लिए किस तरह से उस पर काबू पाया जा सके। तो दोस्तों ये सब बड़ी समस्या है और लोग क्योंकि 2017 में तो लोग उठे थे, रोडों पे आए थे, सवाल किया था सरकारों से, पर लग रहा अब लोग आदी हो गए हैं कि छोड़ो, बच्चे हैं, गरीब के हैं, कैसे भी हैं, गरीब लोग हैं, पैदा होते ही मरने के लिए हैं शायद, तो वो मर रहे हैं और हम लोग तमाशबीन बन के देख रहे हैं। क्योंकि हमारे पास शायद थोड़ा बहुत सुविधा आ गई है एजुकेशन की वजह से और किसी साधन की वजह से, इसलिए हम लोग चुप हैं। तो दोस्तों आवाज़ उठाएं और मैं उन जो बच्चे इस देश में इस दुनिया में अब नहीं रहे उस तेज बुखार के कारण, उनको हम भावभीन श्रद्धांजलि देते हैं। और जो बच्चे अभी तड़प रहे हैं, जो बच्चे बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं उनके लिए कामना करता हूं कि वो लोग स्वस्थ हों। और सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से आग्रह मेरा यही है कि आप राजनीति के तौर पर चाहे कुछ भी करिए, लेकिन जो देश का भविष्य है, जो गरीब लोग हैं, अगर वही गरीब लोग जो आप जिनके भरोसे हम लोग इस देश की जमीन, मिट्टी, रोड, सड़क, बड़े तमाम तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, अगर वो गरीबी आपके सामने नहीं रहेगा तो कौन, टाटा बिरला अंबानी आपके काम करने नहीं आएंगे। तो अगर आपको उन लोगों को सुरक्षित और स्वास्थ्य स्वस्थ रखना है तो उनको मुहैया वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जिसकी आप लोग चिल्ला चिल्ला कर मंचों से बात करते थे। तो दोस्तों आवाज़ उठाते रहिए, उन बच्चों को इंसाफ, उन माताओं, माँ और बाप को, जो भी उनके पारिवारिक हैं, जो पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर हैं, जितना हो सकता है वो सुविधाएँ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। काश कुछ जाने बच जाएं, क्योंकि ऐसा मौसम है कि इसमें महामारी और भी बड़ी हो सकती है। तो साथियों आप लोग आवाज़ उठाएं, मैं इसीलिए लाइव आया हूँ सुबह सुबह, दो तीन चार दिन से मैं लगातार, मैं भी अपने सोशल, जहाँ जो मेरी पहुँच है, जहाँ जहाँ मैं अभी हूँ, वहाँ से जितना हो सकता है मैं अभी अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, आप लोग भी उठाइएगा। और ये बड़ा मुद्दा है कि देश में बच्चे मर रहे हैं और सब लोग चुप हैं, सरकारें, विपक्ष, जो नाकारा विपक्ष है वो भी चुप है, और सरकार तो है कमीनी नाकारी, तो वो तो चुप होगी होगी। तो मैं उसको शासन बाबू से और जुमलेबाज आयुष्मान के जन्मदाता मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि उनको जाके इतनी सुविधा दे दें कि वो लोग उस बीमारी से निजात पा पाएं। तो साथियों मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।